वेलकम बैक, वेलकम बैक टू आचीज किचन। आज की जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो एक बहुत ही आसान सी रेसिपी है। 10-15 मिनट में आप तैयार करके इसको ओवन में डाल दें तो आपकी फैमिली के लिए खाना तैयार होगा। तो इसका नाम हमने जो बना रहे हैं ये चीज़ अनियन और पोटैटो पाई है, बड़े मज़े का बनता है। इसके लिए हमें चाहिए, मैंने बहुत ही आसान सा तरीका इस्तेमाल किया है, मैंने ऑलरेडी फ्रीज़ किए हुए पैकेट पोटैटोज़ के वो मैंने सुपरमार्केट से लिए हैं। तो 2 पैकेट हमें चाहिए मैश पोटैटो फ्रोज़न के, हमें चाहिए 500 ग्राम चीज़ जो पहले से ग्रेट किया हुआ है दुकान से जो मिलता है, फिर हमने लिए है 3 अनियंस प्याज जो हमने बारीक से काटे हुए हैं, और हमें चाहिए 1 टीस्पून काली मिर्च का। पहले हमने ओवन को प्री हीट करना है गैस मार्क 7 के ऊपर, फिर हमने लेनी है एक बड़ी सी डिश जिसमें हमने पाई को बनाना है। उसमें हमने जो फ्रोज़न मैश है एक पैकेट हमने उसके नीचे फैला देना है ऐसे, फिर इसके ऊपर हमने प्याज जो कटा हुआ है आधा वो कर सारा उसके ऊपर फैला देना है, फिर हमने उसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च आधी टीस्पून वो छिड़क देनी है, फिर हमने उसके ऊपर जो चीज़ है वो आधा चीज़ उसके ऊपर ऐसे फैला देना है, फिर वही सिस्टम हमने दोबारा करना है। बाकी के आलू जो है वो हमने उसके ऊपर रखना है, फिर हमने उसके ऊपर प्याज रखना है, फिर चीज़ रखना है, फिर एंड के ऊपर हमने जो टमाटर है उसको हमने स्लाइस करके तो ऐसे उसके ऊपर डेकोरेशन के तौर पर ना उसको रख देना है। थोड़ा सा उसको हल्का सा प्रेस करके ना, तो ये आपका पाई तैयार है ओवन में डालने के लिए। आपको याद है ओवन हमने नंबर 7 पर टेम्परेचर पर प्री हीट किया हुआ है, तो ये जो पाई की डिश है ये हमने ओवन में रख देनी है, डोर हमने कर देना है बंद, और इसको हमने पकाना है तकरीबन 40 से 80 मिनट के लिए, जब तक ये पूरा ऊपर से इतना नाइस गोल्डन कलर का ना हो जाए। जब तक आपका पाई जो है वो ओवन में पक रहा है, हम ऐसे करते हैं हम अब सैलड थोड़ा सा बना लेते हैं जो हम पाई के साथ खा सकते हैं। तो इसलिए हमने लिए थोड़ी सी लेटिस ली है, लेटिस को हमने काटा है, फिर हमने उसके ऊपर जो छोटे छोटे चेरी टमाटोज है वो डाल दिए हैं, फिर हमने इसके ऊपर तर डाल दिए, फिर शिमला मिर्च डाली है, फिर हमने वो डाले हैं मूली थोड़ी सी डाली है, फिर हमने उसके ऊपर ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल कर दिया है ऐसे, फिर हमने थोड़े से जैतून थे वो भी हमने उसके ऊपर रख दिए हैं, और ये हो गया जी आपका सैलड तैयार। ये देखें जब आपने ओवन में देखा है तो ये पाई इतने मज़े का गोल्डन पक के तैयार हो गया है। तो इसको हमने ओवन से निकाला है, निकाल के तो फिर सैलड साइड पर रखा है, और ये पाई का हमने पोर्शन जो है वो काट के ऐसे और प्लेट में डाल दिया है, साथ में हमने सैलड डाल दिया है। तो ये आपका हेल्थी लंच ऑप्शन या शाम का ऑप्शन, इतने मज़े का ये बनता है। चीज़ मेल्ट हुआ हुआ है, आलू जो है इतने सॉफ्ट है, और उसके ऊपर जो क्रस्ट बना है चीज़ का वो उसका टेस्ट तो आप लाजवाब है। तो आप भी बनाएं, बना के और मुझे नीचे आप कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा है।
तो फिर मिलते हैं किसी और दिन एक और रेसिपी के साथ। थैंक यू। ओके जी, बाय।